पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा गोविंदा गरुड़ध्वज गुण निधे दामोदरा माधवा हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते। दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष सुंदरकांड से जुड़े घटनाक्रमों की सूची में हनुमान जी और श्री सीता माता का संवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बजरंग बली हनुमान जी की जय। हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगीं और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठीं। वे सोचने लगीं, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह है भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह निशानी दी है। नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। हनुमान जी के प्रेमयुक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है, भगवान का जन सेवक। जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु है, फिर है हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बात है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है हे माता। अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहो किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर चिंतन छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलम्ब न करते,
हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से ले जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है, इसलिए मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम्हारी वानर सेना कैसे जीतेगी। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता, सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। हे पुत्र, तुम अमर और गुणों के खजाने हो, श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। प्रभु कृपा करें, ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता, सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हनुमान जी की यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी पौराणिक कथाएं को जानने और समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी लिख दीजिए।